दूसरा नाम मेरे पास है शहीद लांस नायक सुधाकर जी, इनकी पत्नी श्रीमती दुर्गा हमारे बीच है। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये वंदे मातरम गान का शौर्य है, ये हमारे वीर जवान का शौर्य है। अभिनंदन करते हैं हम इन माताओं का जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर कर दिया भारत माता के लिए। शहीद मुख्य आरक्षक जगदीश विश्नोई जी, उनकी पत्नी श्रीमती रचना हमारे बीच में है। अभिनंदन है इन वीरांगनाओं का जिन्होंने अपने वीर खोए हैं। शहीद तलवीर सिंह के पुत्र हमारे बीच हैं परमवीर जी, वे आए और आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये देश की शहादत के नाम आपकी तालियां हैं, उन रणबहादुरों के नाम आपकी तालियां जा रही है जो देश की सीमा पर सीना चौड़ा करके आपकी रक्षा में लगे हुए हैं। अगला नाम है शहीद जसवंत सिंह जी, उनकी पत्नी श्रीमती माया देवी हमारे बीच हैं, वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बहुत गौरवशाली वक्ता हूँ, किसी घमंड के साथ नहीं कह रहा, मैंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ पढ़ रखी हैं। आज मेरा गला अवरुद्ध है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मुझे उन लोगों के दर्शन हुए हैं जिन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के लिए मेरे देश की सुरक्षा की, जिन्होंने मुझे PhD करने के लिए मेरे देश की सुरक्षा की, जिन्होंने मुझे मंच पर बोलने के लिए मेरे देश की सुरक्षा की, तो मैं उनका इतना ऋणी हूँ कि आज आंसू और आवाज दोनों एक दूसरे का रिश्ता जोड़ने के लिए आतुर हो रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि किन शब्दों से इन देवियों का, उस पुत्र का अभिनंदन करूं जिन्होंने अपने परिवार के रणबांकुरी लाल उस सीमा की लड़ाई में खोए हैं। आप एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे हौसला दीजिए कि मैं कुछ कह पाऊं। मीडिया कर्मी अपने काम में लगे हुए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। पहली बार इस तरह का एक अनूठा आयोजन हो रहा है। राजू वर्मा जी, मुकेश परमार जी और इनके अन्य अन्य साथी लगे हुए थे इस इंतजाम को करने में, और मुझे कहा गया कि मधुर जी आपको इसका संचालन करना है। बड़ी हिम्मत जुटा करके मैं आपके बीच हूँ और कहना चाहता हूँ अपने देश के बारे में चार पंक्तियाँ कि हिंदुओं के मंदिरों में शंख बजते हैं भोर, मस्जिदों में गूंजती आवाजें हैं अजान की, गुरुद्वारे गिरजा निकालते हैं शांति राग, सारी स्वर धाराएं हमारी पहचान की, एकता अखंडता का पालक तिरंगा ध्वज, पंक्ति पंक्ति मंत्र है सुरीले राष्ट्रगान की, प्रेम के अहिंसा के सुमन खिलते हैं जहां, ऐसी रचना है मेरे भारत महान की, ऐसी रचना है मेरे भारत महान की, ऐसी रचना है मेरे भारत महान की। उस भारत महान को नमन करते हुए और मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से,